कलर्स की पार्टी हो और हमारी ग्रैंड एंट्री ना हो, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि दो सबसे बड़े शोज हम लोग कर रहे हैं कलर्स पे और दोनों ही बहुत अच्छे जा रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते की हमारी TRP आई है और नंबर वन नॉन फिक्शन कॉमेडी नाइट्स लाइव बहुत अच्छा चल रहा है और बचाओ तो वैसे ही मैं स्टार में पहले भी था, कॉमेडी सर्कस से था, लेकिन ठीक है अच्छा लग रहा है कलर्स के साथ एसोसिएट होके, बिकॉज आई थिंक कलर्स ऐसा चैनल है जो एक्टर्स को एक ऐसे स्टेज पर लाकर खड़ा करता है जहाँ पर वो स्टार्स बन जाते हैं और स्टार्स लाकर देता है इस चैनल पे बहुत डिपेंड करता है, उसकी व्यूअरशिप पे बहुत डिपेंड करता है। कलर्स की बहुत व्यूअरशिप है, बहुत सारे लोग कलर्स देखते हैं, बहुत सारे एक्टर्स जो हैं, बहुत बड़े स्टार्स जो हैं वो कलर्स पे आते हैं और बड़े बड़े शोज पर आते हैं, कॉमेडी नाइट्स लाइव में आ रहे हैं, कॉमेडी नाइट्स बचाओ पे आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बाकी चैनल को वो नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन शोज पर भी डिपेंड करता है। हो सकता है कपिल एक बहुत अच्छा शो लेकर आए, जब शो बहुत अच्छा होगा तो सारे स्टार्स वहाँ पर भी आएंगे, तो यू नेवर नो। ये जो आपने सवाल पूछा है, ये जब 23 अप्रैल होगा और जब कपिल का शो आएगा उसके बाद हमको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। नहीं, कोई खम्बा नहीं नोच रहा है, सब अपनी तरफ से अच्छा शो बनाना चाहते हैं, वो भी अच्छा शो बनाएंगे। लेट्स सी, देखिए जब हमने बचाव शुरू किया था तब भी ऐसा हुआ था कि क्या होगा, हमको भी लोगों ने कहा, आपने किसी को बिल्ली कहा, हमको लोगों ने भी बहुत कुछ कहा था, अलग अलग जानवर के नाम दिए थे लेकिन जब शो चलता है तो सब चलता है, बचाओ चला, सब चला। आई विश गुड लक टू कपिल कि वो भी बहुत अच्छा शो लेकर आए। नहीं, मैं मन से बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, हम एक्टर्स हैं, एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, हम चाहते हैं वो भी अच्छा काम करें, हम भी अच्छा काम करें।